के मुंह न देखा अरे ब्रह्मा जी तोरे में एकदम लगाइए दिल कथी श्याम रहो मुंह ऐसा मुंह न घर डुमराव तू अपना किसका समझे थे कि से बड़ी हम सुंदर ही तू अपना के सुंदर मत जान वो पर बोधवा के अरे यार अरे कहा था कि अब ओकर हम डॉक्टर ना ही फिर वो करा 100 रुपया कर खर्चा कर दे ना खटखटा देता हूँ खूने खून कर देता अब कहा था कि हमर कम पलानवा पीवा तो गोर हो जाएगा कहता कि हमर कम पलान पीबा ब्याजी तो गोर हो जाएगी सुन ना वही कम पलान तू पी ना बाबू तनी साफ हो जाएगी अरे छोड़ा ना ई लइकवा कहे नहीं कि मुस्कान के चिन्ह इतना इनका नाम है धासन सिंह तो सब कमवा ना सब जगह करते नाम के अनुसार मास्टर जे रहा इसे बहरिये पढ़ाव है घर हूँ पढ़ाव न है तो धासन सिंह नाम हो तो दूसरे ही धास चला थू आप तो अपना हूँ घर ही अपना ही से न धास दे हरिओम जय जी चले थे एगो गुलाब शर्मा थे हमारा गुरुजी में तू बोला हुआ है तो गुलाब शर्मा कहे ना सुना हो सुना हो राधा की सुन गुलाब शर्मा तो हमर गुरु जी कहले कि कौन है सही बात है तू वही है तेल के परान ले ले तुरंत होश में होश में रहो होश में प्यास होश में एकरा नाम है सिरजानंद कितने का आइले इस सिरिया सिरजानंद मुस्कान ना धासन सिंह थी धासन सिंह थी ना तब तो पैसा ना हो तू दे झाल बजा भाई कहे धास ही होते अरे धास ही धासन सिंह तू इनका मूस के कान मतलब बदला था सेठ मारे कान है लेडी नाम है लेडी जनाब गाना बजाना पिछले लाइन भजन मार्ग से एक बाद में कथा प्रसंग 5 मिनट एक बाद में लैकन लाइक लेदारियो एगो भजन गोइला तो तू दूसरे के गोइला कमल पास हम का तो पतल चट है ना सुनी सिरजानंद जी पतल चट है तो हम पतल चट ही तो ठीक ही ठीक ही हम पतल चट ही चाहे तो अड़िया जाए ना मरिया जाए सही बात तो रहुरा भी न कौन करे और भी पीने हरी जी तो कल युग फिर से आ जा मुरलीधर रे हरी तो जन्म अष्टमी भैल बहादो अकुलवा उत्तम कैनी जादो रौरा पीना कैसे
चलै ह कर कुरान ले ले भर कापी लिखलो लिखल को तोरा गावे में किया रौरा बिना कैसे आ मुरलीधर अहिरे हरि जी जी हमरा 100 रुपया के पुरस्कार देने हे भगवान श्री कृष्ण पैसा देता उनको अजना देता उनको रुआ सबके मंगलमय बने ले कहले का हो दरौरा पीला बजाई के बनसी बनसी आई नाथ खास जदू बनसी दरौरा पीला बजाई के भोजपुरी गायक गायक पिंटू यादव जी ग्राम मेरुगंज कुर्था दिन दिन ममला होता अपने कहते कि मुस्कान ब्याज धासन सिंह तो सुते के चाहिए तो निमन से तो गोदाम उन्हीं करके सुतल आवो अब तो कथा प्रसंग